जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह उठने के बाद रसोई घर की ये चीज़ें भूल से भी ना देखें, नहीं तो राहु केतु का अनिष्टकारी प्रभाव पूरे घर पर हो जाता है और घर में आ जाती है गरीबी और कंगाली। जी हाँ दोस्तों, रसोई को घर का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। अगर घर शरीर है तो रसोई को उसकी आत्मा कहा गया है। रसोई में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में रसोई घर को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रसोई घर में सुबह प्रवेश करते ही कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो सुबह उठते ही रसोई घर में नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में अन्न धन की कमी सताने लगती है। साथ ही परिवार के लोगों में कलेश बढ़ने लगता है। तो आज मैं आपको रसोई घर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने वाली हूँ, जिससे आपके घर में माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर की दिशा सही होनी चाहिए। अगर रसोई घर गलत दिशा में हो तो इससे वास्तु दोष निर्मित होता है। साथ ही रसोई घर में आग और पानी की दिशा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर में ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, जिनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा घर के अग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये अग्नि की दिशा मानी गई है। यहाँ पर बनाया गया रसोई घर बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर रसोई घर में आईना हो तो ये बेहद अशुभ माना जाता है, इससे घर में कलेश बढ़ता है। रसोई घर में पूजा स्थान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर से प्याज लहसुन जैसी चीज़ों की दुर्गंध फैलती है, जो पूजा स्थान की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। चलिए जानते हैं कि रसोई घर में सुबह क्या नहीं देखना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर की पूर्व दिशा की दीवार पर माँ अन्नपूर्णा का चित्र अवश्य ही होना चाहिए और महिलाओं को सुबह स्नान किए बिना रसोई घर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुबह उठने के तुरंत बाद यदि रसोई घर में जाते हैं तो चाकू छुरी जैसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ये चीज़ें नकारात्मकता फैलाती हैं और बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, धन की हानि भी होने लगती है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह रसोई घर में ये चीज़ें होती हैं तो समझ लेना चाहिए कि घर में आने वाली है गरीबी और कंगाली। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाएं, जैसे कि बार बार दूध का उबलना, तेल का गिरना, खाने में बार बार नमक ज़्यादा होना, गरम तेल या गरम बर्तन से बार बार हाथ जलना। अगर ऐसा बार बार होता है तो समझ लेना चाहिए कि घर में वास्तु दोष है। इससे बचने के लिए आपको पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। ऐसे घरों में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहती हैं।
जिस घर में खाने को खुला छोड़ दिया जाता हो, रात में जूठे बर्तन रसोई घर में ही छोड़ दिए जाते हों, जिस रसोई में मांस पकाया जाता हो, ऐसे घरों में माँ अन्नपूर्णा कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, ये थी रसोई घर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।